Assalamu alaikum, my dear students. How are you all? You are welcome to English Language and Learning, and you are watching this lesson for BSc students. This is chapter 4, How to Live to be 200 by Stephen Leacock. Stephen Leacock is a very humorous writer. He talks about the things in a very light and humorous manners. He criticizes and satirizes the human follies and foibles. Like के human beings जो हैं उनके अंदर छोटी छोटी बातों को ले के कितना panic, कितना disturbance और कितना tension पाई जाती है. जैसे कि आप लोगों ने first year या second year में एक essay पढ़ा होगा, बैंक में एक पर्सन का एक्सपीरियंस, हाउ वाज इट. उसने एक एक हैबिट को लेके, उसने उसके एक एक एक्शन और मूवमेंट को लेके बहुत अच्छे से ह्यूमरस वे में बयान किया है. और ये बयान करने का मकसद क्या होता है, व्हाई द राइटर यूजेस दिस टेक्निक ऑफ ह्यूमर. ये जो ह्यूमर और मिजाह की जो टेक्निक है, ये राइटर क्यों यूज़ करता है. दिस टेक्निक इज़ यूज्ड टू मेक क्लियर टू द पीपल दैट these habits, these actions, these movements or these things are not correct. They actually want to correct the these habits. They actually want to know other people that what is the right way or what is the right type of living or what is the right type of action that the people should do or people should avoid. कि लोगों को क्या करना चाहिए और किस चीज़ से avoid करना चाहिए. इस ऐसे में भी बिल्कुल इसी तरह वो ह्यूमर और सेटायर के थ्रू हमें ये बताना चाहता है कि किस तरह एक पर्सन ने अपनी लाइफ को जो है इतना डिस्टर्ब कर लिया था बाय स्टिकिंग टू मच टू द हेल्थ हैबिट्स और एक्सरसाइज हैबिट्स और डाइट हैबिट्स. तो किस तरह उनको आप छोड़ के तो एक मॉडरेट टाइप ऑफ लिविंग जो है अपना सकते हैं. ओके, यस, दिस इज़ ह्यूमरस एंड सेटिरिकल एंड दिस इज़ ऑल अबाउट मिस्टर जिगन्स हेल्थ हैबिट्स. Stephen Leacock actually tells us about his old friend that he had met him 20 years ago and he remembers him ki wo kis tarah ka tha. When he used to get up early in the morning, he used to take a cold bath. Jab wo subah savere uthta tha to thande pani se स्पंज करता था खुद को, लाइक ठंडे पानी से जो है बाथ ले लेता था और कहता था इससे मेरे पोर्स जो हैं वो ओपन हो गए हैं, बॉडी पोर्स जो हैं. देन राइट आफ्टर दैट वो बिल्कुल हॉट वाटर से कोल्ड बाथ लेता था, स्पंज करता था ताकि जो है उसके बॉडी पोर्स जो हैं अब ओपन हो जाएं, अपनी बॉडी को रब करता था कि ओपन हो जाएं. आफ्टर दैट ही यूज़ टू स्टैंड इन द ओपन विंडो फॉर हाफ एन आवर दैट दिस वुड एक्सपैंड हिज लंग्स. वो एक आधे घंटे के लिए फ्रेश एयर लेने के लिए खिड़की में खड़ा रहता था ताकि उसके फेफड़े जो हैं वो लंबे हो जाएं, मजबूत हो जाएं, फ्रेश एयर उनमें जाए. उसके बाद वो छत से रस्सी लटका के और इस तरह की कुछ स्टैंडर्ड टाइप एक्सरसाइजेज होती हैं वो किया करता था. फिर ब्रेकफास्ट करने के बाद जब वो ऑफिस जाता था तो उसने ऑफिस में भी अपने लिए एक अलग सी जगह बनाई हुई थी जहाँ पे वो अपनी डिफरेंट किस्म की और डिफ़िकल्ट किस्म की एक्सरसाइजेस करता था. खाने के बाद वो पुशअप्स करता था और पुशअप्स के लिए वो हैंड्स की मदद से नहीं उठता था बल्कि हैंड्स की जो टिप्स होती हैं उनकी मदद से उठता था कि मेरी हेल्थ ज़्यादा स्ट्रांग होगी, मेरी बॉडी ज़्यादा स्ट्रांग होगी. तो एक्चुअली मैं ही वॉज सफरिंग फ्रॉम हेल्थ मैनिया. उसे सेहत का ऐसा जुनून था कि वो इम्पॉसिबल एक्सरसाइजेस करता था. स्ट्रेन डाइट हैबिट्स थी उसकी, ये चीज़ खानी है, ये चीज़ नहीं खानी, यहाँ पे जर्म्स हैं, ये नाइट्रोजन वाला फ्रूट है, ये नहीं खाना और ये नाइट्रोजन वाला नहीं है, इसको खाना है. सो सच टाइप ऑफ हैबिट्स कि मीट नहीं खाना और एप्पल फ्रूट खाना है, फ्रूट नहीं खाना तो मीट खाना है. बट अनफॉर्चुनेटली ही टेल्स अस कि इन स्पाइट ऑफ ऑल दिस इम्पॉसिबल एक्सरसाइजेज, हेल्थ हैबिट्स, डाइट हैबिट्स, लाइक ही वॉज सो मच कॉन्शियस अबाउट हिज हेल्थ, ही वॉज सो मच कॉन्शियस अबाउट हिज डाइट एंड ईटिंग, बट इवन देन ही डाइड एट एन अर्ली स्टेज ऑफ लाइफ. वो अपनी ज़िंदगी के मतलब कुछ ही दिन देख सका एंड ही डाइड. वॉज हिज लाइफ वॉज वर्थ लिविंग, क्या उसकी ज़िंदगी जो थी वो वर्थ लिविंग थी. वॉज हिज लाइफ वॉज एग्जाम्पलरी, did these exercises help him to maintain his health or to get the life 200 यानी कि
चैप्टर के नेम के मीनिंग ही ये है ना कि किस तरह आप 200 साल तक ज़िंदा रह सकते हैं, यानी आप किस तरह लंबी ज़िंदगी पा सकते हैं। तो लंबी ज़िंदगी पाने के लिए देर आर अदर थिंग्स टू बी डन, इट्स टू बी अडॉप्टिंग ह्यूमनिस्टिक वैल्यूज़, नॉट अबाउट लाइक हेल्थ और लाइक ईटिंग सो मच और सच टाइप ऑफ थिंग्स। तो एक्चुअली मैं सेकेंड पिक्चर जो हमें राइटर दिखाना चाहता है वो कहता है कि लिव अ सेंसिबल लाइफ, एक सेंसिबल लाइफ जो है आप जीने की कोशिश करें, सेंसिबल हैबिट्स को अडॉप्ट करें। अगर आपका को लग रहा है कि योर ऑफिस टाइमिंग इज़ 11 o'clock, तो आप बेशक यू कैन वेक अप एट 10:30। देर इज़ नो नीड और देर इज़ नो अर्जेंट पॉलिसी दैट यू आर वेकिंग अप एट 6 o'clock इन द मॉर्निंग एंड देन यू आर डूइंग पेनफुल एक्सरसाइजेज एंड देन यू आर गोइंग थ्रू ऑल दिस ट्रामा। तो ये करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि रिलैक्स रहना, काम रहना, सेटिस्फाइड रहना, और यही जो है असल चीज़ होती है। फिर वो कहता है कि एक प्रॉपर बेंट ऑफ माइंड अपनाना चाहिए कि आप अगर आपको कोई चीज़ खाने पे दिल कर रहा है सो गो फॉर ईटिंग इट, इसको खा लें, और अगर बहुत ज़्यादा खाने पे दिल कर रहा है तो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा खा लें, यू कैन ईट टू मच बट यू शुड हैव टू पे योर बिल्स। आपको ये भी पता होना चाहिए कि जब आप बहुत ज़्यादा खाना खाएंगे तो आपकी जो बिल्स हैं वो आप ख़ुद पे कर सकते हैं, ऐसा ना हो कि आप बहुत ज़्यादा खाएं और फिर छोड़ दें कि आपके पास बिल ही ना हो पे करने के लिए। देन दिस इज़ अ लाइट ह्यूमर, इन दिस वे ही वॉन्ट्स टू टीच अस कि मॉडरेट लिविंग ही असल में जिस्ट ऑफ लाइफ है। देन वो हेल्थ की बात करते हुए कहता है कि हेल्थ के बारे में हमें टू मच कॉन्शियस नहीं होना चाहिए, हमें लाइक के ये इतना ज़्यादा टेंशन में नहीं आ जाना चाहिए कि मुझे फ़्रेश एयर चाहिए, मुझे फ़्रेश वाटर चाहिए, मुझे फ़्रेश ये चीज़ चाहिए, तो उसके लिए आप जो है वो छत से लटकें, खिड़की में लटकें, कहीं और चीज़ से जाके लटकें कि मैं फ़्रेश एयर ले रहा हूँ। एयर इज़ ऑल अराउंड अस, यू कैन डू विद दिस, तो देयर इज़ नो नीड टू डू पेनफुल एक्सरसाइजेज। देन जर्म्स के बारे में बहुत ज़बरदस्त बात करता है कि जर्म्स जो हैं वो दे आर प्रेजेंट इन एवरीवेयर, हर जगह पे मौजूद हैं। अब हमने उनसे क्या करना है कि उनको मैन्युअली पाल लेना कि इस चीज़ पे भी जर्म्स हैं, इस चीज़ पे भी जर्म्स हैं, और चीज़ों को टच नहीं करना या खाना नहीं है। तो उसके लिए हमें करना क्या है कि हमें जो है जर्म्स के लिए एक फेयर पॉलिसी अपनानी है कि इतनी जल्दी जो है जर्म्स नहीं लगते हैं, क्योंकि नॉर्मली जो जाना जाता है कि आपके हाथ से अगर कोई चीज़ ज़मीन पे भी गिरती है तो इट टेक्स 30 seconds टू एंटर इनटू बैक्टीरिया और बायोलॉजिकल जो जर्म्स होते हैं, बैक्टीरियोलॉजिकल जर्म्स होते हैं, उनको एंटर होने के लिए उस खुराक में भी 30 to 40 seconds चाहिए हैं, वो भी एकदम से जो है एंटर नहीं होते हैं। तो हमें एक फेयर पॉलिसी अपनानी चाहिए जर्म्स के बारे में कि हमें उन्हें अवॉइड करना है और उनसे फाइट करना है, ना कि हमें उनसे डरना है। देन जो है वो डाइट के बारे में कहता है कि खाने के बारे में क्या ख्याल हो सकता है किसी का कि इफ़ दे वांट टू ईट समथिंग एंड दे आर जस्ट लीविंग इट कि हमें ये नहीं खानी चाहिए, इसमें ये चीज़ है, या लाइक ही इज़ गिविंग एग्जांपल्स ऑफ नाइट्रोजन टाइम एंड अगेन, किसमें नाइट्रोजन है तो हमें ये नहीं खाना चाहिए। दीज आर सेल्फ सपोजिशंस, हमारी ख़ुद से बनाए हुए मफरूज़े हैं, या हो सकता है कि हमने कोई मैगज़ीन्स, कोई न्यूज़पेपर या कोई ऐसी चीज़ें पढ़ ली हों जिसमें से हमें पता हो कि ये चीज़ हेल्थ के लिए अच्छी है और ये नहीं है। एक कॉन्शियस लेवल पे आके अपना हेल्थ रूटीन, अपना लाइफ रूटीन और लाइफ सर्कल का ख्याल रखना, दैट इज़ गुड, आके ख्याल करना, लेकिन उसके बारे में साइकोलॉजिकली एक मैनिक प्रॉब्लम पाल लेना कि बहुत ज़्यादा स्टिक टू हो जाना चीज़ों के साथ, दिस इज़ इलॉजिकल, दिस इज़ साइकोलॉजिकल एंड दिस इज़ आउट ऑफ द वे थिंग्स। तो वो हमें ये मैसेज एक्चुअली में देना चाहता है कि वी शुड अवॉइड सच थिंग्स जो हमारे माइंड को, हमारी बॉडी को रिलैक्स नहीं रखती हैं, बल्कि हमें टेंशन देती हैं कि हमें ये भी खा लेना चाहिए और ये नहीं खा लेना चाहिए। ये हमारी सेल्फ सपोजिशंस हैं जिनका फ़ायदा जो है वो हमें एंड पे नहीं होता है। सो दिस वॉज ऑल। एक्चुअली मैं इस एसे के दो पार्ट्स हैं, एक पार्ट में वो मिस्टर जिगिंस की डाउटफुल या पेनफुल जो हेल्थ हैबिट्स हैं, एक्सरसाइजेज हैं, उनकी जो डाइट कॉन्शियस है, वो सब कुछ हमें बता रहा है। एंड एट द अदर साइड वो
वो दिखा के उसकी अर्ली एज डेथ बता रहा है कि उसे इस तमाम चीज़ों ने कोई फ़ायदा जो है वो एक्चुअली सेंस में नहीं दिया है। तो अब करने का काम क्या है कि हमें मॉडरेट लिविंग अपनाना है। अगर आपको कोई चीज़ खाने पे दिल कर रहा है, यू कैन गो फॉर इट, बट यू शुड हैव द मनी टू पे फॉर इट। एंड देन जर्म्स आर नॉट सो मच बिग देन यू, सो अवॉइड अ फेयर पॉलिसी विद द जर्म्स, दैट वी शुड नॉट गेट फियरफुल ऑफ देम, वी शुड अवॉइड देम और वी शुड रेडी टू फाइट देम। दे आर नॉट लाइक के क्रेजी, दे शुड नॉट लेट अस बी क्रेजी। देन जो है वो कहते हैं कि लिव अ सेंसिबल लाइफ, अडॉप्ट सेंसिबल हैबिट्स। तो उसमें एक्चुअली में दो ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, एक कि मिस्टर जिगन्स की हेल्थ हैबिट, ह्यूमर और मैसेज ऑफ द एसे, ये आप दोनों प्रिपेयर करेंगे।